ओम शांति। वर्तमान समाज रे स्नेह प्रेम भ्रातृभाव ए सबुर घोर अभाव परिलक्षित हुए। यहार मुख्य कारण हेउछि आत्मविस्मृति एवं शरीरर अहंकार। तेणु देहर स्मृति को भूली निज को निजे चिन्हिबा पाई आसंतु सुनिबा विदेही अशरीरी पिता निराकार शिव भगवानंकर केते गोटी अमूल्य महावाक्य। भगवान कहुछंती, हे संतानगण, तुमे माने निज को आत्मा बोली भाभी परस्पर भितरे बहुत बहुत आत्मिक स्नेहयुक्त संबंध स्थापन करिबा को हेब। केबे भी मतभेद बा झगड़ा झाटी रे आसिबा अनुचित। तुमे ब्रह्मावश्य ब्राह्मण माने निज मन को निजे पचारिबा दरकार कि मु ईश्वरंकर हृदय रे स्थान पाइछि त, अर्थात ईश्वरंकर मु प्रिय पात्र होई पारिछि त, दैवी गुण को निज भितरे धारण करिछि त। ब्राह्मण होई एहि अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रे अर्थात विश्व सेवारे ईश्वरंकर कार्यरे विघ्न रूप होई नाही त, सर्वदा समस्तंक सहित मिलिमिशि रहुचि त, एकमतरे रहुचि त। परमात्मा भगवान पिताकर श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मतरे निरंतर चालुचि त, कारण आमे संतान माने ही भविष्य राजपदर अधिकारी हेबा पई जाउछु। प्रत्येक भक्त आत्मा मानंकर इष्ट देव बा इष्ट देवी प्रकृतिपति हेबा पई जाउछु। तेणु आम भितरे एही भली गुण बा संस्कार थिले त आमे सारा विश्वर कल्याण करी पतित नरक दुनिया को पवित्र स्वर्ग रे परिणत करिवार कार्य रे सहयोगी होई परिबा। सेथि पई निज को यथा संभव आत्मनिश्चय करिवार पुरुषार्थ करी एही देह देहर संबंध संपर्क वस्तु वैभव सबुथिरु बुद्धिर जोग हटेबाकु हेब। केउथिरे मध्य मोह रखिबा अनुचित। राजा जनकंक सदृश हेबाकु पडिब। देहरे थाई मध्य देहठारु संपूर्ण अलगा। बाबा कहुछंती, परमात्मा पिता शिव भगवानंकर हृदय रे स्थान पाइबा पाई मन वचन कर्मरे सचोट रही सेवा करिबाकु हेब। यथार्थ एवं ऑलराउंडर हेबाकु पड़िबो बा सबु कर्मरे दक्ष हेबाकु पड़िबो, तेबे त अन्य मानंकु अनुभव करि परिबा। चेहरा सर्वदा हर्षित रखिबाकु हेब। सेति पई सृष्टि नाटकर आदि मध्य अंतर ज्ञान को बुद्धि रे रखिबा जरूरी अटे। जेहेतु प्रत्येक आत्मा ड्रामार नियम अनुजाई सेमानंकर अभिनय करुछंती, तेणु सेथिरे संदेह बा आश्चर्य प्रकट करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। नथिंग न्यू। सेथिपई साखी द्रष्टा होई प्रत्येकंकर अभिनय को उपभोग करि चलिबा उचित। भगवान कहुछंती, छोट पिला जेपरी माता पितांक कोळरे क्लांति अनुभव करिनथांती, ठीक सेहिपरी तुमे संतान माने बाबांक स्मृति बा याद रूपक कोळरे बसी जीवन पथ अतिक्रम करुछ। सेथिपई टिकिए भी मुश्किल बा मेहनतर अनुभव हेउ नाही। संगम जुगरे तुम ब्राह्मण संतान मानंक पाई एहा मध्य जेपरि अविद्या अटे, पुरुषार्थ तुम मानंक पाई सहज कर्म भली बा स्वाभाविक कर्म भली अनुभव हेब। तेणु अतीन्द्रिय सुखर अनुभव स्वतः भावरे होई थाए एवं
आनंद स्वरूप स्थिति रे स्वतः स्थित होई थाई पार। आत्मिक भावनार सुगंध वातावरण रे व्याप्त करिबा पई निजकु आत्मिक गोलाप सदृश करिबाकु पड़िबो। अच्छा आज पई एतिकि, पुणी आसंता कालि ठीक एही समय रे मु आपण मानक सम्मुख को आसीबि सेई निराकार परमात्मा भगवान शिव पितांकर आउ किछि अमूल्य महावाक्य को नै। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समाज रे स्नेह प्रेम भ्रातृभाव ए सबुर घोर अभाव परिलक्षित हुए। यहार मुख्य कारण हेउछि आत्मविस्मृति एवं शरीरर अहंकार। तेणु देहर स्मृति को भूली निजकु निजे चिन्हिबा पई आसंतु सुनिबा विदेही अशरीरी पिता निराकार शिव भगवानंकर केते गोटी अमूल्य महावाक्य। भगवान कहुछन्ति, हे संतानगण, तुमे माने निजकु आत्मा बोली भावी परस्पर भितरे बहुत बहुत आत्मिक स्नेहयुक्त संबंध स्थापन करिबाकु हेब। केबे भी मतभेद बा झगड़ा झाटी रे आसीबा अनुचित। तुमे ब्रह्मावश्य ब्राह्मण माने निज मन को निजे पचारिबा दरकार कि मु ईश्वरंकर हृदय रे स्थान पाइछि तो।